डेंगू एक वायरल फीवर है, वायरस के माध्यम से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जो रुके हुए साफ पानी में पनपता है और दिन के समय में काटता है। डेंगू, जिसे डेंगी भी कहते हैं, बहुत कम केसेज में ही सीरियस होता है, जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं या ब्लीडिंग की कोई संभावना बनती है। आम डेंगू इन्फ्लुएंजा की तरह एक सामान्य रोग है। इस वर्ष देहरादून में डेंगू का काफी प्रकोप रहा। इस शहर में हम जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, हमें डेंगू का एक अच्छा खासा अनुभव हुआ है और हम ये जानने में कामयाब रहे हैं कि जो डेंगू की जो साइकिल है, क्लिनिकल साइकिल है, क्लिनिकल कोर्स है, वो किस तरह से रहता है। आमतौर पर एक तेज बुखार आता है, उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, साथ में सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहता है, और इसके साथ साथ जो एक बहुत ही विशेष लक्षण है वो है हाथ पैरों का लाल हो जाना। प्लेटलेट वाला जो मुद्दा है डेंगू में, वो अब लगभग खत्म मानिए उसे। प्लेटलेट चढ़ाने की डेंगू में कोई जरूरत नहीं रहती, अनलेस एंड अनटिल किसी रोगी में रक्त स्राव हो रहा हो, और वो भी गंभीर रक्त स्राव। मेरे पास काफी केसेज आए नाक से ब्लीडिंग के, उनको प्लेटलेट नहीं चढ़ाया गया 20,000 के प्लेटलेट पर भी। तो आप मान सकते हैं, लोगों में एक गलतफहमी है कि डेंगू रोग कम प्लेटलेट होने वाला रोग है जिससे कि मृत्यु की आशंका होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी रोगी डेंगू के सीरियस होते हैं वो प्लेटलेट की कमी से सीरियस नहीं होते, वो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, वो एकदम अलग रोग है। डेंगू को आप सामान्य इन्फ्लुएंजा की तरह ही देखें। मैं निवेदन करूंगा सामाजिक संस्थाओं से भी कि वो जागरूकता फैलाएं। अगर और डेंगू के सीजन में, पर्टिकुलरली एपिडेमिक सीजन में, मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होने चाहिए जो एक दूसरे में शेयर करें। अगर 15,000 प्लेटलेट वाला मरीज बिना प्लेटलेट चढ़ाए ठीक होता है, वो दूसरों को भी मैसेज देता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि लोगों ने प्लेटलेट चढ़वाए हैं या डॉक्टरों ने बोले हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि जितने भी लैब रिपोर्ट्स हमारे पास आई डेंगू पॉजिटिव की या प्लेटलेट कम की, उनमें से 99% केसेज में डेंगू पॉजिटिव नहीं था सरकारी अस्पताल में जांच करने के बाद।